हेलो बोल दो, सबको बोलो हैप्पी महाशिवरात्रि। इधर 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 कैसा लग रहा बाबू? बाबू खुश हो रहा कि मम्मी आज रेडी हो गई है। खुश हो गया। हाय कर दो, हाय कर दो सबको। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है महाशिवरात्रि का त्यौहार, तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ। बस मुझे रेडी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं बाबू को रेडी कर देती हूँ। इसने अपने आप को पूरा गंदा कर लिया था टॉयलेट करके, तो इससे पहले रेडी कर देती हूँ, है ना बाबू? पहले इसे ही रेडी करना पड़ता है ना? और इसे रेडी करने में 1 घंटा का टाइम लगता है। मालिश करो, कपड़ा पहनाओ, है ना बाबू? सो आज मेरा व्रत है, अभी मुझे रेडी होकर मंदिर भी जाना है, लेकिन उससे पहले इसे अच्छे से फीड करा लूँगी ताकि परेशान ना करे। तो फिलहाल जो है मैं इसे रेडी करती हूँ, और अब से मैं रेडी होने के बाद मिलती हूँ, है ना बाबू? तब तक बोल दो बाय बाय। सो गाइस, मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है पहनने के लिए, साड़ी पहनूंगी आज। ये साउथ सिल्क की साड़ी है, उधर बाबू को दे दिया है करिश्मा को फीड कराने के लिए, और करिश्मा भी पूजा करेगी, व्रत नहीं है लेकिन पूजा करेगी। तो फिलहाल जो है इधर मम्मी भी देखिए एकदम रेडी होके आ गई। मम्मी बस मुझे ही रेडी होना है, बस हो गया, बस बस हो गया। यहाँ पे आलता लगाने के लिए मम्मी दी है, नेल पेंट भी लगाने के लिए दी है। मुझे कान वाला पहनना है, अगर टाइम मिलेगा तो पहन लूँगी। तो फिर जा रही हूँ नीचे, मम्मी पूजा कर रही है घर में, पहले पूजा करेगी, वो दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मम्मी पूजा कर रही है, नंगा है बाबू, पैंट लेके आ रहे हैं। देखिए गाइस, मैंने थोड़ी बड़ी सी झुमके पहन ली है, साड़ी में थोड़ा बड़ा झुमका अच्छा लगता है, तो मैंने पहन लिया है। अभी पूजा करके बड़ा जल्दी आ गई, बस गई और जल ढाल के आ गई। हाँ अच्छा, धूपबत्ती भी दिखाई। भीड़ है मंदिर में, अब खाली हो गया होगा, लोग सुबह सुबह कर लिए ना, हम तो लेट जा रहे हैं। बाबू इधर दादी को घंटी बजाते हुए देख रहा है। मैंने ये वाली चूड़ी पहनी थी, तो करिश्मा बोली कि आप ये वाला पहनो, ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा है, तो मैंने ये वाला पहन लिया। तो ये बताइए कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा बाबू? बाबू खुश हो रहा कि मम्मी आज रेडी हो गई है। खुश हो गया, हाय कर दो, हाय कर दो सबको। मम्मी रेडी होके कहीं जा रही है ना? हाँ आ रहे हैं। चप्पल इधर साइड में रख दे, ये चढ़ाना है। हाँ सब पे दो गुत्ते कर, दो गुत्ते कर, इसके अलग रहने है ना। प्लीज पूजा कर कर हम और मम्मी दोनों आ चुके हैं, अब जा रहे हैं ऊपर मंदिर में। ब्लॉक शॉट करने में बनता नहीं है, आप सबको भी पता है, वहाँ पे बस पूजा ही किया जाता है। अरे यार, सो गाइस बाबू जो है ना बदमाशी कर रहा है। बाबू को लग रहा है मम्मी रेडी होके कहाँ गई थी, है ना? चलो अब तुम खेलो, चलो लेट जाओ। और सुसु कर रखा है बाबू पैंट में, अभी मैं इसका पैंट चेंज करती हूँ। बाबू इधर देखो, हेलो बोल दो, सबको बोलो हैप्पी महाशिवरात्रि। इधर 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 कैसा
नहीं दिखेगा बाबू। तो गाइस मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया है क्योंकि मतलब मेकअप सेकअप करने के बाद और अच्छा लगता है, बस जल्दी से इसे उतारो क्योंकि उस कपड़े में आप दिन भर जो है घर में नहीं रह सकते। स्पेशली मैं तो नहीं रहती हूँ, नॉर्मल ऐसे लूज कपड़ा हो घर में तो आसान होता है काम करने में भी और मतलब ईजी होता है कैरी करने में। और साड़ी वगैरह पहन लेने से थोड़ा मतलब लगता है साड़ी पहन के बस बैठे रहो बेड पर, कहीं घूमो फिरो मत आराम से, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी जो है मैंने सब उतार दिया है और चेंज कर लिया है। बाबू को बहुत तेज नींद आ रही है तो उसे पीछे खेल रहा है देख सकते हैं आप, तो उसे मैं सुलाने के लिए जा रही हूँ। तो फिलहाल जो है वही बाबू को सुलाऊंगी और उसके बाद मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया है तो क्योंकि फ्रूट्स खाना जरूरी है क्योंकि बाबू है, तो दूध और केले या फिर कुछ ऐसा खा लूंगी शाम को। तो फिलहाल जो है बाबू को जाती हूँ सुलाने के लिए, बाद में मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। सो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अभी शाम का डिनर बनाना है, तो अभी आलू और गोभी की सब्जी बनेगी। ये गोभी और आलू काट कर रखा हुआ, यहाँ पर बना रही हूँ चाय। और यहाँ पर बाबू को देखिए कैसे लेटा हुआ है, कोई भी कहीं इसे आजकल लेटा देता है ना, खेलने लगा है ना। अभी जो है यहाँ पर दूध चढ़ाई हूँ मैं और साबुदाना बनाने वाली हूँ। कुछ तो सुबह से भी तो खाई नहीं, बस पानी पिया था और चाय पी हूँ और अभी जो है साबुदाना बनाने वाली हूँ। तो दूध को पहले उबालूंगी और साबुदाना मेरा ये रहा, ये है मेरा साबुदाना, मम्मी लेके आई। फिर से बोलो। ये है साबुदाना, मम्मी लेके आई, अभी इसे बनाऊंगी। तो ये रहा साबुदाना, इसे पहले पानी में सोक कर देती हूँ आधा घंटा, फिर इसे डालूंगी तो ये अच्छे से बन जाता है। पर पापा के लिए काली वाली चाय बना के रखी हूँ, गरम करके भी दे दूंगी उनको। और इसकी वैसे व्हाइट चाय होती है, कहने का मतलब कि दूध ये काली है, ये काली है फिर भी इसको ना पीना पसंद है। अब देखो जैसे मैं एक शूट मारूंगा ना, सो गाइस ये देखिए मैं अपना साबुदाने वाली खीर लेके आ गई हूँ। इसके अंदर मैंने जो केला है वो भी काट कर छोटे छोटे पीसेस में डाल दिए हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे साबुदाना कस्टर्ड खीर। मतलब कस्टर्ड मैंने इसमें डाला नहीं है, तो इसके अंदर हम कोई सभी फ्रूट्स डाल के खा सकते हैं। मैं ऐसे ही खाती हूँ साबुदाना को, इससे पेट भी भर जाता है और भूख कंट्रोल भी हो जाता है। तो अभी जो है मैं अपना साबुदाना खाऊंगी, साबुदाना वाला खीर। और मैंने निर्जला व्रत नहीं रखा था क्योंकि ऑब्वियसली बाबू है तो मैं निर्जला नहीं रख सकती क्योंकि उसे बीच बीच में पिलाना भी पड़ता है। तो फिलहाल जो मैं यही खाऊंगी और पूरे टाइम मैं एक बार अभी खाने जा रही हूँ। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि और गुड नाइट। थैंक यू सो मच। आप ऐसे एक बार खाकर देखना फ्रेंड्स, काफ़ी यम्मी लगता है खाने में, ऐसा लगता है कस्टर्ड ही खा रहे हैं।